नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शज़ैम मूवी के हाल ही में लीक हुए डिलीटेड और अल्टरनेट सीन्स के बारे में। ये सभी सीन्स बताए जा रहे हैं कि इसके ब्लूरे रिलीज के साथ हमें मिलने वाले थे, जो 16 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले ही ये सभी सीन्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं और काफी वायरल हो रहे हैं, जिन्हें स्टूडियो ने यूट्यूब से डिलीट करा दिया है। शज़ैम मूवी के अभी तक 3 सीन्स लीक हुए हैं, जिनमें से एक है इस फिल्म की अल्टरनेट एंडिंग, दूसरा थर्ड एक्ट के दौरान डॉक्टर सिवाना और शज़ैम के बीच हुई अल्टरनेट फाइट सीन, और थर्ड है इस मूवी में ब्लैक एडम का रेफरेंस सीन। और इन सभी सीन्स को लेकर इस फिल्म के डायरेक्टर ने क्या कहा, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी के डिलीटेड सीन के बारे में, जिसमें हमें ब्लैक एडम का रेफरेंस मिला। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये मालूम होगा कि डॉक्टर सिवाना को हराने के बाद जब पूरी शज़ैम फैमिली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंचती है, तो वो सब उसे अपना खुफिया अड्डा बनाने की बात करते हैं, और इस फिल्म के थिएटर वर्जन में ये सीन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन ये डिलीटेड सीन इसके कंटिन्यूशन में है, जिसमें होता ये है कि ये सभी एक एक थ्रोन पे बैठ जाते हैं, लेकिन एक थ्रोन खाली रह जाता है, और इस बात को मैरी नोटिस कर लेती है और पूछती है कि हम 6 हैं लेकिन ये 7 थ्रोन्स हैं, तो 7वां थ्रोन किसके लिए है। और तभी डार्ला कहती है कि वो जिस किसी के लिए भी है वो ऑटोमेटिकली हमारी फैमिली का मेंबर है, लेकिन ये सब नहीं जानते कि इनके अलावा जो चैंपियन बचा है वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक एडम है। इस बात का रेफरेंस हमें इस मूवी के थिएटर वर्जन में भी देखने को मिला। जब बिली पैटसन रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंचता है तो वहां मौजूद आखिरी विजर्ड उसे बताता है कि उसने और बाकी विजर्ड्स ने मिलकर बहुत साल पहले एक चैंपियन चुना था, लेकिन उसे चुनने में उन्होंने गलती कर दी थी, जिसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और उसी ने 7 डेडली सीन्स को इस दुनिया में छोड़ दिया। हालांकि इस सीन में उस चैंपियन का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन वो रेफरेंस ब्लैक एडम के लिए ही था। और इस सीन के दौरान जो होलोग्राम हमें दिखाए गए, उनसे भी हमें ये क्लियर हो गया कि वो ब्लैक एडम के बारे में ही बात कर रहा था। और जैसा हम जानते हैं कि ब्लैक एडम शज़ैम के सबसे बड़े दुश्मनों में है, और कॉमिक्स में ये दोनों कई बार आमने सामने आ चुके हैं, तो फ्यूचर में आने वाली शज़ैम मूवी में ब्लैक एडम हमें जरूर दिखने वाला है। और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि इस रोल को और कोई नहीं बल्कि रॉक करने वाले हैं, जो काफी साल पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। और शज़ैम मूवी की रिलीज से पहले भी काफी फैंस को उम्मीद थी कि इस फिल्म में ब्लैक एडम का कैमियो जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी ब्लैक एडम फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मूवी के लिए डायरेक्टर को हायर कर लिया गया है, और जल्दी ही हमें ब्लैक एडम की स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस फिल्म के एक और सीन, जो हमें इस फिल्म के थिएटर वर्जन में देखने को नहीं मिला था, और ये सीन इस मूवी की एक ऑल्टरनेट एंडिंग है। तो इस फिल्म के थिएटर वर्जन में हमने देखा कि सुपरमैन और शज़ैम एक दूसरे को जानते हैं, और उसी के कहने पे सुपरमैन स्कूल में फ्रेडी से मिलने आता है। लेकिन इस ऑल्टरनेट एंडिंग में बिली बैटसन और उसके भाई बहन न्यूज में किसी बड़े हादसे की खबर सुनते हैं, और एक साथ शज़ैम बोल के उस हादसे की जगह पे जाते हुए दिखते हैं। ये सभी सीन्स फुली फिनिश नहीं है, क्योंकि इन सीन्स में हमें ग्रीन स्क्रीन और शूटिंग के दौरान यूज हुआ माइक भी दिखता है। तो इन सीन्स को काफी टाइम पहले ही इस मूवी से हटा दिया गया था, तभी इन पे आगे काम नहीं किया गया और ये सीन अनफिनिश्ड है। अब बात करते हैं थर्ड अल्टरनेट सीन की। ओरिजिनल फिल्म के थर्ड एक्ट में हमने देखा कि डॉक्टर सिवाना और शज़ैम के बीच पूरी फाइट फिलाडेल्फिया सिटी के आसमान में उड़ते हुए होती है, लेकिन इस सीन में ये पूरी फाइट इसी कार्निवल में हुई थी, जहाँ शज़ैम फैमिली के बाकी मेंबर्स और 7 डेडली सीन्स के बीच लड़ाई चल रही थी, और ये पूरी फाइट हाई स्पीड थी, जैसा हमें फ्लैश और क्विक सिल्वर के सीन्स में दिखाया जाता है। तो इस सीन में हमें शज़ैम की एक और सुपर पावर यानी सुपर स्पीड दिखाई जाती, लेकिन उस सीन को भी इस मूवी से काट दिया गया। और जब से ये सभी सीन्स लीक हुए हैं, तभी से सोशल मीडिया पे इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग से काफी सवाल किए जा रहे हैं कि इन सीन्स को डिलीट क्यों किया गया। तो उन्होंने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस फिल्म की ब्लूरे रिलीज में डायरेक्टर कमेंट्री होगी, जहां वो बताएंगे कि इन सीन्स को क्यों डिलीट किया गया। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि उन्हें चीजों को काटने में मजा आता है, और बताया कि कई बार ऐसी मोमेंट भी आई जहां स्टूडियो ने उन्हें कुछ सीन्स को वापस लगाने को भी कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इस फिल्म का कोई डायरेक्टर्स कट होगा तो वो थिएटर वर्जन से छोटा होगा। जैसा हम जानते हैं कि डायरेक्टर्स कट मूवी थिएटर में रिलीज हुए मूवी वर्जन से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो कुछ दिन में हमें इन सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कि ये सीन्स क्यों कट किए गए, और अगर आपने भी ये सीन्स देखे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सीन्स कट होने चाहिए थे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन सीन्स के अलावा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसकी होम रिलीज में हमें 20 मिनट तक के डिलीटेड सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।